सरकार धर्म देखकर काम करती है, मैं ये सवाल का जवाब मनीष जी से ले चुकी हूँ, एक बार आपके कहने पर फिर से ले लूंगी, लेकिन जरा थोड़ा सा विस्तार से समझाइए कैसे रेडिकलाइज हो रहा है समाज और कैसे एक माफिया की हत्या के बाद आपने समझ लिया कि दरअसल हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की लड़ाई है, ये कैसे, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया आपको साहब? आप पाराशार जी, मैं हशमत मलिक नहीं हूँ, बेचारा सीधा आदमी है, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, आप शादाब है, मैं जान रही हूँ आप हशमत मलिक नहीं है, मैं जान रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। जवाब दे रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो रेडिकलाइज्ड गुंडों ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया था, उनपे यूएपीए नहीं लगा, वो बाहर घूम रहे हैं आज, एनएसए नहीं लगा, और आज जब वो मर्डर कर रहे थे वो आतंकवादी पुलिस की कस्टडी में, तो उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। आप हशरत मलिक साहब नहीं है, वो तो सीधे आदमी है, आप तो सीधे नहीं है ना, कितने आंदोलन कर दिए आपने बताएंगे जरा मुझे, कितनी बार आप इस मौजूदा सरकार की आंख खोलने के लिए सड़कों पर उतर गए कि देखिए बहुत गलत हो रहा है, यूएपीए लगाइए जिन्होंने हमला किया था उन पर। बिल्कुल आपकी बात सही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हमने, चाहे सीए प्रोटेस्ट के दौरान किलिंग हुई हो, चाहे उसके कितनी किलिंग हुई थी सीए प्रोटेस्ट के दौरान बताएंगे, संविधान रक्षकों की किलिंग हुई थी, कितनी संविधान रक्षकों की किलिंग हुई थी, अरे कितनी किलिंग हुई थी, संविधान को बदलने वाली सरकार, कितनी किलिंग हुई थी सीए प्रोटेस्ट के नाम पर, आप ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं शादाब जी, थोड़ा सा क्लियर बताइए, जनता सब जानती है, जनता सब देखती है, कितनी किलिंग हुई थी और कहां कहां पर किलिंग हुई थी जरा बताइए। 18 किलिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, जिसमें मेरठ के अंदर किलिंग हुई, फिरोजाबाद के अंदर किलिंग हुई, और छोड़िए मनीष शुक्ला जी की पुलिस इतनी काबिल है कि जो बनने का आज से 10 साल पहले इंतकाल कर चुके उनके घर पर। अच्छा तो ऐसे रेडिकलाइज नहीं होगा, ऐसे रेडिकलाइज नहीं होगा, पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई तो रेडिकलाइजेशन है, और आप जो बैठकर टीवी पर ये ज्ञान दे रहे हैं इससे रेडिकलाइजेशन नहीं होगा, हर चीज में धर्म का चश्मा लगाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए शादाब जी, आप हशरत मलिक नहीं है, आप शादाब हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं, तो थोड़ी स्मार्टनेस से बात करिए। शांतनु गुप्ता जी, एक तरफ है बीजेपी का नारा कि अब तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण चलेगा, और एक तरफ है पूरा का पूरा विपक्ष जो शायद ये नहीं समझ पा रहा है कि माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उन्हें करना क्या है, इस साइड खड़ा होना है या उस साइड। देखिए मैं थोड़ा इसे ब्रॉड लूंगा साक्षी जी, 2014 के बाद पूरे देश में, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति की जो ग्रामर है, जो परिभाषा थोड़ी चेंज हुई, कैसे हुई, उसके पहले मैं कहूंगा एक आलसी तरह की राजनीति थी, आलसी राजनीति थी, मतलब मैं 2-3 वोट बैंक इकट्ठे कर लूं, 30% के आसपास वोट बैंक ले आऊं तो मैं सरकार बना लूंगा, तो वो समाजवादी पार्टी में MY बन जाती थी मुस्लिम यादव, और BSP में वो मीम बन जाती थी कि भाई, और दोनों के साथ था एक कोर वोट बैंक है यादव का, इधर दलितों का, बाद में जिसने मुस्लिम वोट बैंक उसमें मिला लिया वो सरकार बना लेगा। अब 2017 के बाद या 14 के बाद पूरे देश में एक लाभार्थी की अलग वोट बैंक बन गया है कि भाई जिसको बिजली मिली है, जिसको सड़क मिला है, जिसको राशन मिला है, जिसको गैस मिला है, तो वो एक अलग ही लाभार्थी वोट बैंक है। अब ये अपनी पुरानी राजनीति में अभी भी लगे हैं, ये अपनी लिमिटेड पुरानी राजनीति में अभी भी लगे हैं, आप चाहे प्रवक्ता को उनके सुन लीजिए जो BSP के मेयर कैंडिडेट है कि भाई मुसलमान को मार दिया, अब अतीक इनके लिए मुसलमान है, अतीक इनके लिए गुंडा नहीं है, आजम खान इनके लिए एक लॉ से फरार व्यक्ति नहीं है, या जमीन हथियाने वाला व्यक्ति, इनके लिए वो मुसलमान है, तो वो अभी भी वो विक्टिम कार्ड खेल के जो बचा कुचा वोट बैंक का मुस्लिम वोट बैंक उस पे घात लगा, कुछ इनोवेट नहीं करना चाहते हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, क्या कुछ काम पे अपना नहीं दिखाना चाहते हैं, तो एक मेरे से पुरानी राजनीति है। और जो मैंने सुना कि केवल मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, नहीं भाई, आप कहां से डेटा लाते हैं, ये जो 183 जो एनकाउंटर में लोग मरे हैं उसमें से 30% मुसलमान है, 70% उसमें गैर मुस्लिम लोग हैं, जिस दिन असद का एनकाउंटर हुआ उसके एक दिन पहले आदित्य राणा का, जो ठाकुर व्यक्ति है उसका, आदित्य राणा का बिजनौर में एनकाउंटर है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो देखिए ये इनके पास सिलेक्टिव डेटा पिक करके ये मुसलमानों को विक्टिम कार्ड खेलने की राजनीति कांग्रेस ने सबको सिखा दी, ये उसको परपेचुएट कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं कब तक वोट बैंक को टांग पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।